हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है और आज के इस वीडियो में जानेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल जो 2023 में हमारा एग्जाम अक्टूबर में हो रहा था, पेपर लीक के कारण वो एग्जाम रद्द हो गया और अब जो है री एग्जाम हो रहा है और इस पे मैंने एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट और सिलेबस में मैंने कल ही वीडियो में मैंने बताया था, आप वहां से जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आज मैंने जैसे बताया था, कल मैंने बोला सारे बच्चों को, जो जो भी हमारे व्यूवर्स थे, कि आज मैं आपके लिए पूरा सिलेबस लेकर आऊंगा, एक निचोड़ कैसे आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, कैसे उस एग्जाम को आप बेहतर से बेहतर निकाल सकते हैं, कैसे करना है, किन तरह से करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पूरी इस वीडियो में हम जानते हैं। वीडियो से बने रहिए और समझ आए तो जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहला, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 का एग्जाम जो री एग्जाम हो रहा है, आप सभी को पता है, ये पूरा डिटेल मैंने कल बताया था वीडियो में। आप पहले सिलेबस को समझिए, आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, जीके है, जीएस है, सीए और जीए, जिसे करंट अफेयर और समयानिक जिसे हम कहते हैं, तो सबसे आपको पता होना चाहिए। अब मैं जीके और जीएस लिख दूं, आपको फंसना नहीं है, तो मैं पहले इन सिलेबस को आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं और कैसे आपको अच्छे से एक तैयारी मिल जाएगी, एक निचोड़ मिल जाएगा, किस हिसाब से पढ़ना है, ये कम समय में इस वीडियो में, एक ही वीडियो में पूरा आपको सही समय में और शॉर्ट तरीके से समझा दूंगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज का जानकारी रखना है कि आपको जो सिलेबस में किन किन विषय से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो कितने सारे विषय, लगभग 6। हिंदी से आएगा 10 नंबर का, इंग्लिश से आएगा 10 नंबर का, मैथ से आएगा 10 नंबर का, तो ये जितने भी रहेंगे ये आपका क्लास 9th और 10th, आप इसका 30 पेज का, मैंने बताया था कि इसका जो सिलेबस का पीडीएफ है 30 पेज का है टोटल, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 9 और 10th लेवल से ही पूछा जाएगा ये सारा जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ। मैं आपको सिलेबस जो है कुछ कुछ फोटो इधर लगा दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। तो ये किस लेवल पर आएगा, 9th और 10th लेवल पर। और उसके बाद क्या है इसमें, जीके, जीके अब बोल दिया मैं तो आप घबरा नहीं जाना, सामाजिक विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान आप जानते हैं, इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, आपदा प्रबंधन, भूगोल, ये सब रहेगा इसमें, ये 20 नंबर के रहेंगे। और जीएस विज्ञान भी 20 नंबर का रहेगा, इसमें आपका जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन शास्त्र, ये तीनों विषय से रहेंगे। उसके बाद करंट अफेयर और समायनिक जीए जो है ये 20 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से आपके 6 विषय, और 6 विषय मिला के आपका टोटल कितना मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। एग्जाम जो टाइम रहेगा आपको 2 घंटे में, आपको 100 ऑब्जेक्टिव को आपको जो है उसमें टिक करना है, कितने, 2 घंटे में 100 ऑब्जेक्टिव को टिक करना है। आप बहुत सारे बच्चे सर कह रहे थे, सर क्या इसमें नेगेटिव मार्क्स मार्किंग है, नेगेटिव मार्क्स है इसमें क्या, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, नो नेगेटिव मार्क्स है, अगर आप गलत करके आते हैं तो वो गलत रहेगा, ऐसा कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप बेफिक्र एकदम अच्छे से तुक्का नहीं लगाना, मैं बात करता हूं और कैसे करना आपको इस वीडियो में। तो मैंने आपको ये सारी चीज समझा दिया, सिलेबस कौन कौन सब्जेक्ट से आएगा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, एग्जाम टाइम 2 घंटे का है, मार्क्स आपका 100 ऑब्जेक्टिव होगा, नो नेगेटिव मार्क्स होगा। अब बात करते हैं कि हाउ टू क्रैक बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023। अब जो 24वां री एग्जाम दे रहे हो, 23 लिख दिया, आप घबरा नहीं जाना। सबसे पहले आपको एक चीज का फिक्स करना है कि आपके पास टाइम कम रह गया, आपके पास समय कम रह गया, कितना दिन रह गया, मात्र मेरे ख्याल से 15 दिन। बहुत बच्चे कह रहे हैं मेरा तो 28 को है, 28 अगस्त को है, ठीक है भाई आपका 28 अगस्त, किसी को किसी का 7 अगस्त को, तो वो क्या करेगा, उसको तो एग्जाम की तैयारी करना है ना। तो आप 15 दिन का एक लेकर चले स्ट्रैटेजी कि 15 दिन मेरे पास रह गया है, ज्यादा समय बचा नहीं है, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस सेट करना है, जैसे मेरे पास एक प्रैक्टिस सेट है बुक, आप देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने एक बुक रिकमेंड किया था, वो मेरे को लाके दिखाए थे, किरण इंस्टीट्यूट का है, आप किसी का भी ले लीजिए, कोई सा भी, इसमें जैसे 20 प्रैक्टिस सेट है, इसमें अगर यदि वो बच्चा 20 प्रैक्टिस सेट बनाता है और उसमें 100 क्वेश्चन है, तो वो कितने 2000 क्वेश्चन को वो सॉल्व करता है। यदि वो जब 2000 क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो उससे कितना ज्यादा उसके पास नॉलेज होगा। तो प्रैक्टिस सेट वेरी मस्ट है, इसमें आपका PYQS भी आ जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रीवियस PYQS, ये भी बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका सॉल्व करना बहुत जरूरी है, और इसमें आप 20-20 सेट मार रहे हो तो कितना इंपॉर्टेंट है ना। आपको मॉक टेस्ट देना है, यदि आपने जब ये सेट मार दिया है तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। मान लीजिए आप 100 क्वेश्चन को मॉक टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ठीक है, आपने 100 क्वेश्चन को मॉक टेस्ट दिया। अब आप क्या करते हो ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है 2 घंटा की वजह से वो बोर हो जाते हैं और वो क्या करते हैं 1.5 घंटा के अंदर जो है अपना ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, सिर्फ 1.5 घंटा के अंदर में जो उसका ऑब्जेक्टिव वो क्लियर करके चुपचाप बैठे रहते हैं, इधर उधर देखते हैं, नहीं, आपको कम से कम 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका टाइमिंग लगना चाहिए, टाइमिंग के नीचे बात करेंगे हम, 4 घंटा लगना चाहिए, 4 आवर्स। आप उस क्वेश्चन को देखिए, यदि आपको देखिए आर्टिकल, अनुच्छेद,
17 से पूछा कुछ, तो उससे क्या क्या बनेगा, उससे क्वेश्चन क्या आने वाला है, उससे और क्या क्या सारे क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 17 से आपको पूरा ही कंसेप्ट क्लियर कर लेना। कितना मिनट लगेगा? 5 से 10 मिनट मिलेगा। आप फट से लूसेंट खोलिएगा, उसमें अनुच्छेद मिला लीजिएगा, या आप पढ़े होंगे पॉलिटी किसी भी टीचर के पास से, तो वहां से आप मिला के फट से पूरा अनुच्छेद 17 का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। टाइमिंग आपको 4 घंटा कम से कम मॉक टेस्ट में देना है, तब आपका जो है स्ट्रेटेजिक बेहतर। आपको सर 2 घंटा ज्यादा कर रहे हो, वहां तो स्पीड चाहिए। स्पीड ठीक है, अब तुक्का नहीं मारना है, जो आपको आता है वही करना है, ठीक है। यदि आपको आपको 50 क्वेश्चन आता है, सही सही आपको करना आता है 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में आपने 50 किया, तो 85 क्वेश्चन आप जांच कीजिए कि मेरे 50 क्वेश्चन सही है, 50 क्वेश्चन मैंने खुद से एकदम सही सही लगाया, और 50 क्वेश्चन किस वजह से नहीं बन रहा है, किस कंसेप्ट से आ रहा है, उस चीज को आप क्लियर कीजिए। बात समझ आ रही है? अब आप देखिए सब्जेक्ट टॉपिक इसमें क्लियर करना आपको, कौन से सब्जेक्ट से। मैं कहूंगा आप 3 सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जीके, जीएस, करंट अफेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी से आपका जो है कितना नंबर आने वाला है, 20 20 20 60 नंबर, 60 मार्क्स जिसका आ गया तो भाई बहुत अच्छा है। कट ऑफ ये नहीं सोचिएगा कि मेरे को 30% लाएंगे पास हो जाए, कम से कम आप 80+ रखिएगा, कम से कम आप 60+ रखिएगा। जैसे ईबीसी एससी एसटी वाले क्या है, तो वो कम से कम जो है 60+ लाएंगे तो उसका कट ऑफ ठीक रहेगा। जनरल वाले कम से कम आप जो है 80 नंबर लाना ही पड़ेगा, आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। रिवीजन जीके जीएस मस्ट इंपॉर्टेंट, आप लूसेंट लीजिए और पूरा एकदम ऑल टोटल एकदम अच्छे से रिवीजन करते रहिए। और मैं आपको हमेशा कहता हूं एलआरपी एलआरपी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एलआरपी का मतलब क्या होता है? एल से लर्निंग, आर से रिवीजन, पी से प्रैक्टिस। आप सीखते रहे हो लेकिन आप उसको रिवीजन नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, दिस इज नॉट फेयर, ये बहुत ही गलत होता है। 8 नंबर आपको डेली स्टडी करना है 6 घंटे। भाई साहब 15 दिन रह गया पूरी जिंदगी के लिए, पूरे भविष्य के लिए 6 घंटा मात्र पढ़ लो। आप आपका आप शरीर है, आपका दिमाग है, आपका टाइमिंग आपके पास है, 24 घंटे सभी के पास है, बस लगे रहिए मेहनत करते रहिए, आपका रिजल्ट होगा। और आपको एक मोटिवेशन देना चाहूंगा, पूरी मेहनत आपकी है, पूरी जिंदगी आपकी है, आप इसको कैसा बनाएंगे कैसा निखारेंगे ये आप पर है। बात समझ रहे हैं ना? रोशनी अंधेरे को मिटा सकता है और शिक्षा जो है गरीबी को मिटा सकती है। आप यदि पढ़ के कुछ नहीं बनते हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत परेशानी होता है, इसलिए आप मेहनत कीजिए, अभी जिद्दोजहद कर दीजिए, काफी ज्यादा स्ट्रगल कीजिए और एक अच्छा जॉब पाइए, एक अच्छा सिक्योर जॉब पाइए, एक अच्छा आप एक्सपीरियंस पाइए, जिससे आने वाली जनरेशन ये कहे आपने पढ़ा तो आपने कुछ किया, आपने पढ़ा तो आपने कुछ किया, आपने कुछ सीखा तो कुछ नया किया। ये नहीं कि पढ़ के आपने क्या किया, मैं जो काम कर रहा हूं वही कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही बेकार लगता है हमें। इसलिए आप पूरी मेहनत आपकी है, आपकी जिंदगी है, आप बेस्ट करेंगे। आई होप, मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज समझ आ गया होगा कि किन किन सब्जेक्ट्स आएगा, टाइमिंग क्या, नो नेगेटिव मार्क्स है, और किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी मैंने बताया लगभग 7 पॉइंट में। आपको वीडियो यदि समझ आया तो जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।